पूर्वोत्तर भारत और सनातन हिंदू धर्म के बीच क्या है संबंध, ये सरकारी इंटेलेक्चुअल्स को सटीक पता नहीं है। इसी प्रकार इन्हीं सरकारी इंटेलेक्चुअल से अगर पूछा जाए पूर्वोत्तर भारत और बौद्ध धर्म के बीच क्या है संबंध, उनका जवाब क्या होगा, ये हमारे लिए भी बताना मुश्किल है। जब हम पूर्वोत्तर भारत को देखते हैं, बुद्धिज्म टॉपिक बनता ही नहीं है, हमारे ध्यान में होता ही नहीं है, या यूं कहें ध्यान में लाया ही नहीं जाता है, इसलिए हमें पता भी नहीं है। एक प्रकार का इंफॉर्मेशन वैक्यूम रखा गया है। हमें इस इंफॉर्मेशन वैक्यूम से बाहर निकलने का मौका तब मिला जब हम पहुंचे असम के जोरहाट जिले में। तिताबर टाउन से कुछ किलोमीटर दूर स्थित इस गांव के निवासी बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। हमारा इग्नोरेंस तब टूटा जब हम इस श्याम गांव में पहुंचे। आश्चर्य, उत्सुकता और उत्साह तीनों के मिश्रित भाव से हम सराबोर हो गए। तिताबर क्षेत्र में रह रही जातियां जैसे ठेंगाल कचारी, आहोम, सोनवाल कचारी, चाबगानिया के साथ साथ दूसरी कई जातियां भी इस गांव के निवासियों को श्याम नाम से पहचानती हैं। श्याम जाति के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। अपनी पहचान श्याम नाम से करते हैं। इनके श्याम नाम के पीछे एक तथ्य है। थाईलैंड देश का पुराना नाम स्याम था। चूंकि ये लोग स्याम यानी आज के थाईलैंड से आए हुए थे, ये अपनी पहचान स्याम के नाम से देते थे। समय के साथ यही स्याम नाम श्याम में परिवर्तित हो गया और इनकी पहचान से जुड़ गया। आज के दिन श्याम एक जाति के रूप में हमारे सामने है। इनकी अपनी पहचान है, अपना अस्तित्व है। श्याम जाति एक बहुत ही छोटी जाति है। इनकी कुल जनसंख्या 7000 के करीब है। अपने बीच में वे अपनी खुद की भाषा बोलते हैं। प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण इस गांव के अंदर हम जैसे ही पहुंचते हैं, हमें ऐसा लगा जैसे हमें आमंत्रित किया जा रहा हो। संपूर्ण वातावरण में कुछ तो अद्भुत शक्ति विद्यमान थी, जिसके कारण हमें ऐसा लगा जैसे हमारे शरीर मस्तिष्क की सारी केमिस्ट्री बदल रही हो। एक बहुत ही गहरी असीमित शांति की अनुभूति होने लगी थी। बौद्ध मंदिर के प्रांगण को देखते हुए हम इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि यहाँ पर समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान सम्मेलन होते रहते हैं। पूजा पाठ और नीति नियमों का पालन भी बहुत ही तरीके से किया जाता है। जैसे कहा जाता है, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ प्रश्न नहीं होते हैं। इस सुंदर बौद्ध मंदिर के हर एक कोने को हम श्रद्धा और इच्छुकता से निहार रहे थे।
हमारा ध्यान मैदान के कोने में स्थित एक बड़े पीपल के पेड़ पर गया। पेड़ की टहनियों को बहुत खूबसूरत तरीके से बांस का स्टैंड बनाकर उस पर उन्हें अटकाया गया है। जमीन पर वो टहनियां झुक ना जाए, इसलिए ये प्रबंध किया गया होगा। पेड़ के चारों ओर बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे झंडों का एक घेरा बनाया गया है। हवा से लहराती पत्तियों के बीच से सूरज की किरणों का तेज सर्दी में भी ऊष्मा का एहसास दिला रही थी। आसमान भी इतना विशाल और सुंदर लग सकता है, इसकी अनुभूति भी हमें वहां कुछ घंटे बिताने के दौरान हुई। ड्रैगन की एक सुंदर बड़ी मूर्ति भी हमारा आकर्षण खींच रही थी। मैदान के एक और स्थित है भगवान बुद्ध की मूर्ति का मंदिर। बौद्ध विहार के मुख्य गेट के पास ही हमें आकर्षित करता हुआ सुनहरा अशोक स्तंभ मिला। आमतौर पर हमें अशोक स्तंभ गांव में देखने को नहीं मिलते हैं। इस अशोक स्तंभ को देखकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। हमारे आंखों के लिए ये इतना नया था, हम हर चीज को निहार रहे थे, देख रहे थे। हमने बौद्ध विहार के मुख्य अधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने हमें उनके गांव की संस्कृति और धार्मिक विश्वास के बारे में कई बातें बताईं। हमारे वहां पहुंचने के कुछ दिन पहले ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान का पालन किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने भिक्षु की दीक्षा ली। भिक्षुक को दीक्षा देने के लिए दूसरे जगह से बड़े भिक्षुक या बौद्ध धर्म के धर्म गुरु आते हैं। दीक्षा देने के पर्व को बड़े ही सद्भाव, भक्ति एवं धूमधाम से मनाया जाता है। इसी पर्व के चलते विभिन्न आकार के सुंदर सुंदर झंडों से पूरे गांव को सजाया गया था। जो बड़ा वाला झंडा लहराते हुए आप लोग देख रहे हैं, इसमें विभिन्न प्रकार का चिन्ह दर्शाया गया है, जिन्हें बहुत ही खूबसूरती से ऊंचाई में फहराया गया था। अधिकारी ने हमें यह भी बताया कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो भी वस्त्र बनते हैं, वो वस्त्र गांव की महिलाएं मिलकर 24 घंटे के अंदर ही बुनकर तैयार करती हैं। रात दिन एक एक करके शाम महिलाएं एक ही दिन में भिक्षु के लिए वस्त्र तैयार कर देती हैं, जो हमारे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक और प्रशंसनीय बात थी। उन्होंने हमें यह भी बताया कि बौद्ध विहार के भिक्षु सिर्फ दिन के 12 बजे तक ही अन्न ग्रहण कर सकते हैं। अन्न का जुगाड़ करना गांव वासियों का दायित्व है। भिक्षुक स्वयं कुछ भी पका के नहीं खाते हैं। उनकी रहने खाने की व्यवस्था करना गांव वासियों की जिम्मेदारी होती है। बौद्ध विहार में हमें भगवान बुद्ध की दो बड़ी मूर्तियां भी दिखी। दोनों ही मूर्तियों को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के श्रद्धालुओं ने भेंट किया है। इससे पता चलता है कि श्याम गांव ने
धार्मिक रूप से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपना स्थान बनाया हुआ है। ये बताने पर कि आम लोगों को ऐसी कुछ भी जानकारी नहीं है कि असम जोरहाट में एक श्याम गांव है और एक भव्य बौद्ध मंदिर भी है। इस पर वो एक सौम्य से मुस्कान के साथ बताते हैं कि उनको इसकी कमी कभी महसूस ही नहीं हुई। बस हम यही कोशिश करते हैं कि हमारी पहचान ऐसी ही बनी रहे। बौद्ध मंदिर में नमन कर कुछ घंटे व्यतीत करने के बाद हम वहां से निकल जाते हैं तिताबर टाउन की ओर। मन में यही विचार और भावना लिए हुए कि चीजें जैसी हैं वैसी ही उन्हें बनाए रखा जाए। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn।